तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हमने बैंगन सारे कट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम लेंगे बेसन, हाफ कटोरी बेसन लेंगे हम। उसके बाद दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड करेंगे बेसन में, और बारीक कटी हुई हरा धनिया, और हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून हम अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें, और हाफ टेबल स्पून हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे, हाफ टेबल स्पून हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ पे। इसमें नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पतला हमें इसका बैटर नहीं बनाना है तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम। तो फ्रेंड इस तरीके से ही बनाना है बैटर हमें, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है इसमें। उसके बाद हम एक एक बैंगन लेंगे, उस बैंगन पे सारे बेसन को अच्छे से लगा देंगे बैटर को, देख सकते हैं इसी तरीके से लगाने हैं। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड देख सकते हैं सारे बैंगन को इसी तरीके से बेसन में लपेटना है हमें। उसके बाद हम अब फ्राई करेंगे इसे। तो हमने यहाँ पे लिए कढ़ाई, उसमें हमने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, और गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है। ऑयल हमारा हीट हो गया है तो हम बैंगन फ्राई कर लेंगे, भाजा हमारा। भाजे को एकदम क्रिस्पी तरह से फ्राई करें। दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे भाजे को। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमें सारे भाजे फ्राई करने हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हम भाजे को फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये भाजा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। तो फ्रेंड सारे भाजे हम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड आप इस भाजा को दाल राइस, कढ़ी राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है ये, आप ऐसे भी खा सकते हैं इसे।
तो फ्रेंड हमारा बैंगन का भाजा चटपट और झटपट बनके तैयार हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो, और अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।